काशीपुर के गांव बगेलवाला में संदिग्ध परिस्थितियों में एक अधेड़ की मौत से ग्रामीणों में आक्रोश बना हुआ है। वहीं अधेड़ की मौत की सूचना मिलने पर पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। आपको बता दें कि काशीपुर में थाना आईटीआई स्थित ग्राम बगेलवाला में आज एक कलवा सिंह नामक अधेड़ की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। मृतक के परिजनों का आरोप है कि चंपावत के टकनपुर निवासी राजेश कुमार ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसकी हत्या की है। मामला तो ऐसा है, जो सही है वो तो जो नाम बता रहे हैं हमें तो टच में ऐसे आए हैं, वो इनका लड़का धीरा वहाँ पे जेसीबी चलाता है टनकपुर में, जिन उन्हीं के घर में जिनका नाम राजेश है उन्हीं के घर में वो और कमरे पे किराए पे रहता था, तो वहाँ उनकी लड़की थी एक नाबालिग, उससे उसका फेयर था। दो तीन बार पहले घर भी ला चुका था वो, उसके बाद में जब लास्ट बार बुलाया तो वो लगभग 10 दिन में नहीं वापस गई। उन्होंने लड़की की खोजबीन करी, हमारे गाँव में उन्होंने बहुत रिश्तेदारों पर गाँव वालों पर बहुत दबाव बनाया। हमसे वो लोग मिले, हमने उनसे कहा ठीक है अगर हमारे कहीं टच में लगती है और कहीं भी मिलती है तो हम लड़की को गुमशुदा की उन्होंने वो दिखाई कि गुमशुदा है हमारी लड़की, मगर वो 24-25 घंटे में हमारे बताने के बाद या 40 घंटे में वो लड़की उन्हें बरामद हो गई मुरादाबाद से। हाँ, पहले की बात है ये 6 दिन पहले बात है। देखिए, जो ये बगेला वाला में मौत का प्रकरण है, इस पर एक महीना पूर्व इनका जो लड़का था वो चंपावत जिले से एक लड़की को अपने साथ नाबालिग लड़की को भगा करके ले आया था, जिसपे चंपावत जिले में मुकदमा कायम था और इसका लड़का अभी भी जेल में है 376 और पॉक्सो के अंतर्गत। अब इनका ये कहना है कि 3 दिन पहले उस लड़की के भाई ने और उसके दोस्तों ने उसके साथ मारपीट की है, जिससे इसकी मृत्यु सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में हो गई है। मौके पर जो हमारे सब इंस्पेक्टर इंचार्ज गए थे उनके द्वारा देखा कि जाहिरा चोट उस पर नहीं है बॉडी पे, तो इसकी एप्लीकेशन हमने लिख करके जाँच तलब कर ली है, बॉडी को पोस्टमार्टम कराने के लिए भेज दिया है। पैनल के द्वारा इसमें पोस्टमार्टम हो रहा है और हमारे सब इंस्पेक्टर भी मौके पर हैं पोस्टमार्टम हाउस में, तो जैसी भी पोस्टमार्टम में रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। क्राइम स्टोरी के लिए उत्तराखंड के काशीपुर से रफी खान की रिपोर्ट।